आज हम पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन घ। आइए देखते हैं व्यंजन घ से संबंधित कुछ चित्र। घ से घड़ा, जिसमें हम गर्मियों में पानी भर के रखते हैं। घ से घोड़ा, जिसकी हम सवारी करते हैं बच्चों। घ से घड़ियाल, जो कि पानी में रहता है। घ से घोंसला, घोंसले में कौन रहता है बच्चों? पक्षी, चिड़िया। घ से घड़ी, जो कि हमें सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। घ से घर, जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हैं। घ से घी, जो कि सभी व्यंजन का स्वाद दोगुना कर देता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। घ से घंटी, जो कि हम मंदिर में बजाते हैं और जिसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। घ से घुटना। आइए देखते हैं बच्चों घ कैसे लिखते हैं। घ, दिए गए चित्र में एरो को फॉलो करेंगे हम। फर्स्ट एरो फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ स्लीपिंग लाइन, बन गया घ। आइए बच्चों आज हम देखेंगे व्यंजन घ कैसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी व्यंजन लिखने के लिए हमें वन टू थ्री मिडल वाली थ्री लाइंस का यूज करना होता है। तो हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व हमें फोर्थ लाइन से टच नहीं करना है। फिर स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा स्लीपिंग लाइन। ओके बच्चों, बन गया घ। अब हम एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व फोर लाइन से टच नहीं होगा। आफ्टर दैट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बन गया घ। एक बार फिर कर्व, सेकंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, घ से